अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करते हैं 7.3 के। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये आप बहुत कम देखोगे कि जो अल्फाबेट के सवाल है वो कॉम्बिनेशन से होंगे, क्योंकि अल्फाबेट के जो नॉर्मली सवाल आते हैं वो परमुटेशन में ही होते हैं, अरेंज करो या इवन नंबर या वॉवल्स, इवन नंबर तो नहीं होंगे, वॉवल्स कॉन्सोनेंट ये सब चीजें जो है ना ये परमुटेशन में यूज होती हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा ये अल्फाबेट का ऐसा सवाल नहीं है, ये सिलेक्शन का है। फॉर एग्जाम्पल पांच चीजें, पांच से दो सिलेक्ट करनी है ना, वही वाला काम करना है आपने इसके अंदर। कि लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको निकालनी है ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सेमिनार टेकन फोर एट अ टाइम। परमोटेशन में होता था कि आप सब अल्फाबेट्स को एक साथ भी पिक कर सकते थे, उसकी n फैक्टोरियल परमोटेशन आती थी, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक साथ नहीं आप पिक करते, क्योंकि अगर एक साथ पिक करोगे तो एक ही कॉम्बिनेशन है। जैसे वर्ड लिखा हुआ है सेमिनार, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है, आप इसमें अगर वर्ड्स को आगे पीछे कर दो तो कॉम्बिनेशन एक ही रहेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन देखता है कि लेटर्स क्या क्या है इसके अंदर। तो सेमिनार के अंदर जो सात लेटर है तो वो ही रहेंगे, तो अगर सब लेटर्स को एक साथ पिक करोगे तो एक ही कॉम्बिनेशन आएगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन में आप ऑब्जर्व करोगे कि सब एक साथ नहीं पिक करने को देते हो, वो कहते हैं तीन कर लो चार कर लो ताकि सवाल थोड़ा मुश्किल बने ना, वरना तो इजी बन जाएगा पूरा सवाल। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने इसके अंदर, नंबर ऑफ लेटर्स 7 है और लिखा हुआ है नंबर ऑफ लेटर्स टू बी चूजन, कितने लेटर आपको चूज करने, 4 चूज करने। तो अब सवाल है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कितनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 7 टोटल है, 4 के आपको पिक करने हैं, मतलब 4 सेलेक्ट करने हैं आपको यहां पे, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगी 7c4, जिसको आप लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 7-4 मतलब 3 फैक्टोरियल। चाहो तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, आप 7 को लिख सकते हो 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये कैंसिल, 7 × 5 = 35। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितनी आ जाएंगी बच्चों, 35 आ जाएंगी। तो ये थोड़ा बच्चों वाला सवाल था जो हमने कवर कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर डिटरमिन्ड। या अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है और ये टॉपिक जो है ये नॉर्मली आप लोगों की बुक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये ईकैट में बताया जाता है, और मैंने चूंकि अपने बारे में ईकैट नहीं किया था तो मैंने एक मूवी से सीखा था, पहली दफा ये चीज आई थी, तो मूवी थी सुपर 30, ऋतिक रोशन की है, वो एक इंडियन एक टीचर थे मैथमेटिक्स के, उसके ऊपर उनके ऊपर बनाई हुई थी, अनंत कुमार, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि 30 बच्चे उन्होंने पिक किए थे, गरीब बच्चे थे, तैयारी करवाई थी उनको IIT में, सबके सब पास आउट हो गए थे, तो मतलब एंट्री टेस्ट में पास कर लिया था उन्होंने, तो उसके उनके ऊपर मूवी बनाई हुई है। तो उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा था मूवी में, तो ऋतिक रोशन है, कि 30 बच्चे उसने पिक किए थे, वो कह रहा था कि यार अगर 30 बच्चे, मतलब उनसे सवाल पूछा था, अगर तुम लोग आपस में हाथ मिलाओगे और शर्त ये कि एक बंदा दूसरे से एक ही दफा मिलाए, ये नहीं कि 3-4 दफा मिला रहे हो आप, तो कितने हैंडशेक होंगे। अब ये चीज फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो तो आप गिनने लग जाओगे, हालांकि गिनने की जरूरत नहीं है, इसका एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन में NC2। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मालूम करना हो कि हैंडशेक कितने हैं, 5 लोग हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि 30 लोग की एग्जाम्पल समझने में मसला होगा, तो हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वकार चका को कर लेते हैं भाई, हम साथ कर लेते हैं डक्की भाई को, अच्छा और हम कर लेते हैं आजाद चाय वाला, और किसको करें, हम मोरू को कर लेते हैं, और इरफान भाई मेरे फेवरेट, उनको कर लेते हैं, 5 लोग हैं भाई, ठीक है। आप कंसीडर करते हैं ये जो वकार भाई है, डक्की भाई से करेंगे सलाम, मोरू से करेंगे, इरफान से करेंगे, आजाद से करेंगे, तो कितने हैंडशेक किए इन्होंने, 4 किए, अपने आप से तो नहीं कर सकते ना, तो अभी तक 4 हैंडशेक हुए, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर आप डक्की भाई की बात करो तो वो कितने बंदों से हाथ मिला सकते हैं, अब वो वकार से तो नहीं मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले मिला लिए। अब देखो ये परमुटेशन का सवाल नहीं है, यहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि परमुटेशन में वकार डकी या डकी वकार ये दो मानी जाएंगी, लेकिन आपको पता है इस वाले सिचुएशन में ये एक ही है, क्यों भाई, वकार डकी से हाथ मिलाए या डकी वकार से मिलाए बात एक ही है, ये दो अलग बातें नहीं है, इसको आप एक ही कंसीडर करोगे यहां पे, ठीक है। तो डकी भाई दोबारा वकार वैसे तो नहीं कर सकते,
इसको दो एंगल से आप समझ सकते हो कि इस एंगल से समझो कि ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप वकार ढकी लिखो ढकी वकार लिखो, या दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन है कि एक बंदे ने एक से मिलाना है, मतलब दो दो बार इस तरह नहीं होता होगा वो, ठीक है। तो वरना अगर परमुटेशन लगाओगे तो वकार मोरू है तो मोरू वकार, मतलब ये एक बंदा मतलब आपस में वो दो दफा मिला रहे होंगे, एक बंदे ने उससे मिलाया फिर दोबारा वो मिला रहे हैं आपस में, दो हैंडशेक हो जाएंगे। नहीं, मैंने कहा था एक ही हैंडशेक होंगे, एक बंदा अगले वाले बंदे से एक ही दफा हाथ मिलाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल डकी भाई वकार से नहीं मिला सकते, डकी भाई मोरू से कर लेंगे, इरफान आजाद तीन हो गए, फिर मोरू इरफान से या आजाद से दो, और इरफान भाई के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आजाद से मिले, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल हैंडशेक है 4+3+2+1, ये हो जाएगा टोटल 10 हैंडशेक। तो यहां पे कितने हाथ मिलाए जाएंगे, 10 हाथ मिलाए जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट मैचेस के अंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा पांच टीम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे यार एक पाकिस्तान कंसीडर कर लेते हैं, एक इंडिया कंसीडर करते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया करते हैं, एक इंग्लैंड करते हैं, एक न्यूजीलैंड करते हैं। तो अगर ये पांच टीम आपस में मैच खेले और हर टीम दूसरी टीम से एक ही मैच खेले, दो मैच ना खेले, अगेन वो रिस्ट्रिक्शन है, तो पाकिस्तान इंडिया से खेल सकता है, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, चार हो गए। इंडिया जो है वो दोबारा पाकिस्तान से नहीं खेलेगा ना, उसने पाकिस्तान से एक मैच ऑलरेडी खेल लिया, तो इंडिया न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, तीन हो गए, फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से या फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, तो अगेन वही आपके पास 10 ऑप्शन हो जाएंगे, 10 मैचेस यहां पे हो जाएंगे। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, इसलिए क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहां पे, आप पाकिस्तान इंडिया करो या इंडिया पाकिस्तान करो बात एक ही होगी यहां पे, तो आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो। और कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला यही क्यों यूज कर रहे हो, NC2 इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि जितने भी लोग हैं उसमें से आपको दो पिक करने हैं, सिलेक्शन आपकी अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने वकार टकी को पिक किया तो ये एक सिलेक्शन है, आपने वकार मोरू को पिक किया ये एक सिलेक्शन है, वकार इरफान को पिक किया एक और, वकार आजाद को पिक किया एक और, तो चार सिलेक्शन होगी, फिर डकी मोरू को पांचवी, डकी इरफान, डकी आजाद, ये टोटल सात हो गए। तो यहां पे आप दो लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो ना, टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप दो को सिलेक्ट कर रहे हो, तो टोटल ऑब्जेक्ट एन होती है, सिलेक्ट आप किसको कर रहे हो, दो को कर रहे हो, दैट्स इट, खत्म होगी बात। तो फॉर्मूला यहां से आगे कॉम्बिनेशन का NC2, आपने एट अ टाइम दो लोगों को सिलेक्ट करना। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अगर फॉर्मूले में लिखोगे एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर और इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ रहा होगा ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप जाहिर सी बात है इसको याद करना मुश्किल है, एक ही बात है NC2 लिखो या ये लिखो, बात है कि ये सिंप्लीफाई करो, तो इसमें आप n की जगह फॉर एग्जांपल 5 पुट कर दो, 5 - 1 = 4, 4/2 = 2 होते हैं, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, ये फॉर्मूला लिख सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला भी मार्केट में आपको नजर आएगा वो ये वाला है। ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आपको याद हो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये नेचुरल नंबर को सम नहीं कर रहे आप, नेचुरल नंबर है शुरू के चार नेचुरल नंबर, अगर पांच लोग हैं तो जो आंसर होता है वो शुरू के चार नेचुरल नंबर होता है, अगर छह लोग हैं तो शुरू के पांच नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल छह लोग हैं, पहला वाला बंदा किसी भी पांच से हाथ मिला सकता है तो 5, फिर दूसरा बंदा 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से, ठीक है। तो और ऑब्जर्व करो तो जो आखिरी बंदा बचा है वो तो आप किसी से नहीं मिला पाएगा ना, तो है छह बंदे लेकिन टर्म्स कितनी बनती है, 5 टर्म्स बनती है यहां पे, तो ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो उनका फॉर्मूला तो आपको पता है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपके सामने लिखा है, बस फर्क ये कि यहां पे जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, यहां पे आप क्या करते हो कि n यहां पे 5 पुट करोगे, अगर आप ये वाला फॉर्मूला कंसीडर कर रहे हो ना तो n यहां पे आप 5 पुट करोगे, क्योंकि टर्म्स कितनी है 5 है, लोग 6 है लेकिन आप पुट 5 करोगे, तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि यहां पे जो n है ना, इस n का मतलब क्या है कि जो पहला बंदा है वो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, पहले बंदे के लिए 5 ऑप्शन है, 5 लोगों से हाथ मिलाएगा ना, तो इस n का यहां पे मतलब ये है कि पहला बंदा कितने हैंडशेक करेगा, 5, तो यहां पे आप 5 पुट कर दो, 5 + 1 = 6, 6/2 = 3, 3 को 5 से करो 15, इसका मतलब 6 लोग हैं तो टोटल 15 हैंडशेक होंगे। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो इसमें n का मतलब ये है कि कितने लोग हैं, 5 लोग, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इसमें आप पुट करोगे पहला बंदा कितने हैंडशेक कर रहा है, 4, तो आप इसी एग्जांपल को इसे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 5 और इसे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 4, क्योंकि पहला बंदा 4 बंदों से सलाम कर रहा होगा, ये मैंने यहां पे लिख दिया, मतलब हाथ मिला रहा होगा, तो दोनों फॉर्मूले जो है यहां पे बताए जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। फिर इसका अगला कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसमें यह होता है कि अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको और मालूम करना हो इन पॉइंट से कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ होगी यार आपके पास फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट है, मैंने 4 पॉइंट रेड कर लिए और
इसमें कोलिनियर पॉइंट होने के शर्त है कि दो से ज्यादा कोलिनियर पॉइंट ना हो। मसला मैं बता दूंगा क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप कितनी लाइन यहां पर बना सकते हो, तो फॉर्मूला अगेन वही होगा NC2। क्यों? आपने एट अ टाइम लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट पिक करने होते हैं, तो आप कोई भी दो पॉइंट पिक करो, लाइन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन इस तरह बनेगी, एक लाइन इस तरह बनेगी, एक लाइन इस तरह बनेगी, फिर एक लाइन इस तरह होगी, एक लाइन इस तरह होगी, और फिर एंड पे एक लाइन इस तरह होगी। ठीक है, तो वही कितनी लाइन बननी होगी, यहाँ पे चार पॉइंट है तो 4C2 मतलब यहाँ पे 6 लाइन बन रही होंगी, वो आपने बना के देख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 पॉइंट होते तो वही 10 लाइन बन रही होती है यहाँ पे। तो वही कॉन्सेप्ट जो आपने वहां पे पढ़ा था यहाँ पे भी मौजूद है। तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए भी यूज होता है कि अगर आपके पास एन पॉइंट्स गिवन हो और आपने मालूम करना हो कि कितनी लाइंस बन सकती हैं इन एन पॉइंट्स से, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो। अब फॉर एग्जांपल आप सिचुएशन चेंज करो और आप अगर ये बोलो कि यार मेरे पास जैसे चार पॉइंट थे तो आपके पास 6 लाइंस बन रही थी, आप बोलो कि यार मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट है, तो असूली तौर पर कितनी लाइन बननी चाहिए, 10 बननी चाहिए, लेकिन उन 5 में से कोई पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो सेम ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अच्छा, अगर दो पॉइंट्स के लिए तो आप कोलिनियर का वर्ड बोलते भी नहीं हो, क्योंकि दो पॉइंट्स है तो लाजमी एक लाइन पास कर सकती है। कोलिनियर का वर्ड बोला जाता है कि जब तीन पॉइंट्स हो, कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, तो उनको आप बोलोगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर उन 5 में से 3 कोलिनियर हो तो अब कितनी लाइन बनेगी, क्योंकि फॉर्मूले को तो नहीं पता कि 3 कोलिनियर है, और जब कोलिनियर होती है तो मसला क्या होता है उसको जरा समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो आपके पास 5 पॉइंट है और उसको मैंने एक कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है इससे, और फॉर एग्जाम्पल दो आपने यहां पे कंसिडर किए ए बी सी डी ई। ठीक है, तो इसको वैसे हम लिखते हैं कि आप अगर 5 आपके पास चीजें हैं और आपने दो सेलेक्ट करनी है तो आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हो, आप उसको लिख सकते हो ए बी फिर ए सी फिर ए डी फिर ए ई फिर बी सी बी डी बी ई फिर सी डी सी ई फिर डी ई। ये 10 किस्म की लाइन बन सकती है। फॉर्मूला क्या कहता है, NC2 n की वैल्यू 5 पुट करो, 5C2 क्या होता है 10 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि 10 लाइन बननी चाहिए, लेकिन फॉर्मूले को नहीं पता कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। जैसे पिछले वाली एग्जांपल में आपके पास कितने थे, 4 पॉइंट थे ना, तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 4 में से अगर आपने कोई भी दो लाइन बनाने के लिए आपको कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं ना, ये इसकी हिकमत है। अगर आप लाइन बना रहे हो तो दो पॉइंट आपको चाहिए, दो पॉइंट से लाइन बन सकती है। तो वही अगेन हैंड शेक मैचेस वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो एक लाइन बन रही थी ए बी, फिर बन रही थी ए सी, फिर बन रही थी ए डी, फिर थी बी सी बी डी और फिर थी सी डी। ये आपके सामने ए बी ए डी ए सी फिर बी सी बी डी फिर डी सी, ये 6 लाइन आपकी बन रही थी। तो यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं थे, जबकि यहाँ पे 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब होगा क्या, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला आपको मिसगाइड कर देगा। फॉर्मूला आपको बोलेगा 10 लाइन, लेकिन हकीकत में 10 नहीं होंगी। मैं बता देता हूं ए बी लाइन कौन सी है, ये ए बी लाइन है। अच्छा, ध्यान में रखना यहां पे लाइन एक इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ये जो मैंने ए बी लाइन बनाई है ना, वो जरूरी नहीं कि यहां पे रोकोगे, लाइन तो इनफाइनाइट होती है, बना सकते हो। असल कॉन्सेप्ट ये है, मैं कोई ट्राइंगल बना रहा है या कोई स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं बना रहा कि मैं इन दो पॉइंट पे खत्म कर रहा हूं, कोई लाइन सेगमेंट नहीं बना रहा, मैं यहां पे लाइन बना रहा हूं पूरी। तो लाइन तो इनफाइनाइट होती है, तो एक लाइन इन पॉइंट से पास कर रहा है, पास कर रही है, एक इससे पास कर रहा है, फॉर एग्जांपल बीसी से एक लाइन पास कर रही है, तो लाइन तो इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट है। तो जो लाइन एबी से पास कर रही है तो उसको आप इस तरह तो नहीं बनाओगे ना, आप उसको भाई इस तरह बनाओगे पूरा, ये पूरी एक लाइन कंसिडर होगी क्योंकि लाइन इनफाइनाइट है। तो एबी लाइन जो है वो यही वाली है, ये पूरी जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है इसको आप एबी बोलोगे। इसी तरह इसको आप एसी भी तो बोल सकते हो ना, ये जो एसी लाइन है ये वाली तो है, अगर आप ए और सी को ज्वाइन करोगे तो यही तो लाइन आएगी। इसी तरह ये जो बीसी लिखा हुआ है, बीसी भी तो यही लाइन है ना, जब आप बी और सी को ज्वाइन करोगे तो यही तो लाइन आ रही होगी। तो आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे जो फॉर्मूला आपको 10 दे रहा है उसमें से 3 चीजें जो है ये हकीकत में 3 अलग लाइन नहीं है, ये एक ही लाइन है। अब ये मसला आ गया। अब इस मसले को आप हल कैसे करोगे, आप NC2 में से माइनस करोगे MC2, वेयर M का मतलब कितने पॉइंट्स कोलिनियर है, यहां पे 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो MC2 मतलब 3C2 क्या होगा, 3 के बराबर। 3 पॉइंट से 3 लाइन पास कर सकती हैं। असूली तौर पर अगर आप देखो आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है तो 1 2 3 3 पॉइंट अगर आपके पास गिवन है तो आप 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो जितने कोलिनियर पॉइंट है उनसे आप कितनी लाइंस बना सकते हो, 3 कोलिनियर पॉइंट है तो आप 3 लाइन बना सकते हो, वो आप माइनस कर दो टोटल नंबर में से, तो आपके पास आंसर क्या है। फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में आप देखो 5C2 टोटल लाइन थी, लेकिन आपको पता है 3 कोलिनियर पॉइंट है, जो 3 लाइंस बनाएंगे वो आपके काम की नहीं, वो तो एक ही लाइन है, तो आप माइनस कर दो 3C2 से, 3 कोलिनियर
सी टू वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन एक मसला है इसके अंदर, इस फॉर्मूले का आंसर 3 होगा, 10 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा। हकीकत में 7 लाइन ही बनेगी, हकीकत में 8 लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये 3 लाइंस हैं, ये एक लाइन तो मानी जाएगी ना, इसको आप 3 नहीं बोलोगे, इसको 1 बोलोगे, मतलब यहां पे 2 एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जांपल आपने एबी को कंसीडर कर लिया, तो एसी और बीसी ये एक्स्ट्रा है ना, तो निकालना तो आपको 2 को चाहिए, जबकि ये वाला फॉर्मूला 3 को निकाल रहा होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है कि 3 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है, 3 लाइन बन सकती है। अब इसको तो नहीं पता ना कि वो 3 लाइन जो है उसमें से एक हमने कंसीडर करनी है, मतलब एक का तो आप लाइन बोलोगे ना, बाकी 2 एक्स्ट्रा है, तो ये फॉर्मूला 3 को माइनस कर देगा, मतलब एक लाइन हमारी कम कर देगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप प्लस 1 कर देना, तो अब आपके पास राइट जो है वो लाइन आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल करोगे जब आपने आपके पास n पॉइंट्स गिवन हो और आपने मालूम करना हो कि कितनी लाइंस बन सकती हैं और उसमें से कुछ पॉइंट कोलिनियर हो, 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो m की जगह वो आप पुट कर देना, ये पूरा फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने में। अब ये लाइंस का कॉन्सेप्ट था, अब इसको ले आते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि 4 वर्टिसेस हैं तो कितनी साइड आप बना सकते, अच्छा ये जहन में रखो अगर 4 वर्टिस होते हैं ना तो आप 4 ही साइड बना सकते हो, जितने पॉइंट होते हैं ना, अगर आपको बोला जाए कि अगर 10 पॉइंट है तो उस ज्योमेट्रिक शेप की कितनी साइड्स होंगी, ये भी सवाल आ सकते हैं ना, कि अगर 5 वर्टेक्स है फॉर एग्जांपल तो कितनी साइड्स होंगी, 5 ही होंगी भाई, जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स हैं, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं तो कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। अगर स्क्वायर है उसके स्क्वायर के अंदर 4 वर्टेक्स हैं तो 4 ही साइड होती हैं, तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे जिनको आप वर्टिसेस बोलते हो उतने नंबर ऑफ साइड्स आपके पास बन रही होती हैं। तो इस तरह भी सवाल आ सकता है कि पॉइंट देते हैं और बोलेंगे कितनी नंबर ऑफ साइड बन सकती हैं, जितने पॉइंट है उतनी नंबर ऑफ साइड बन सकती हैं। अच्छा एक और तरीके से भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, फॉर एग्जांपल अगर 4 पॉइंट है तो उसमें डायगोनल कितने बनेंगे, डायगोनल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप 4 पॉइंट को कंसीडर करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं ताकि बात इजीली समझ आ जाए, एक डायगोनल इस तरह बनेगा, एक डायगोनल इस तरह होता है। डायगोनल बेसिकली एक लाइन होती है जो अपोजिट वर्टेक्स को या आप कह लो अपोजिट पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर रही है, इसको आप डायगनल कहते हो। तो अब आप कैसे मालूम करोगे कितने डायगनल्स हैं यहाँ पे, अब स्क्वायर में तो आप मालूम कर ले तो 2 है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एक ज्योमेट्रिक शेप है जिसके अंदर 10 वर्टेक्स हैं, अब बताओ कितने डायगनल्स हैं, फिर आप फंस जाओगे। तो सिंपल तरीका क्या होगा, सिंपल तरीका ये होगा कि आप इस पूरे 4 पॉइंट में निकालोगे टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी बना सकते हो। तो अगर 4 पॉइंट गिवन हो और आपको मालूम करना हो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन सकती है, तो 4c2 6 आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, 6 लाइंस आपके पास बनेंगी, उन लाइंस में से कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। जब आप 4 साइड को माइनस कर दोगे तो जो पीछे लाइन बचेंगी वो डायगोनल्स होंगे। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाली, उसमें से माइनस कर दिया जितनी साइड्स हैं, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, ये 2 लाइंस जिनको आप क्या बोलोगे, डायगोनल्स बोलोगे। तो ये फॉर्मूला होता है, तो जनरलाइज बात में अगर आप लिखो ना तो आप लिखोगे NC2 - N, ये फॉर्मूला होगा अगर आपने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने, सिंपल फॉर्मूला है। NC2 का मतलब टोटल लाइंस, टोटल लाइंस में से आप नंबर ऑफ साइड माइनस कर दोगे तो पीछे जो लाइंस आएंगी वो क्या होंगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का ये वाला फॉर्मूला हो गया। मैं काफी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस का बता दिया, अगर लाइंस कोलिनियर हो तब आपने को मैंने बता दिया, अच्छा नंबर ऑफ साइड्स निकालने का बता दिया, नंबर ऑफ डायगनल निकालने का बता दिया। अब एक और टॉपिक है आखिरी जो आप लोगों की बुक से रिलेटेड है, वो है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, वो किस तरह निकालोगे। तो यार अगेन उसका कॉन्सेप्ट भी वही होगा सिंपल, कि आपने क्या करना है, आपने ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट पिक करने होते हैं, तो आप 3 पॉइंट पिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 पॉइंट है, आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाने हैं, तो 4 चीजें हैं उसमें से आपने सेलेक्ट कितनी करनी है, 3 करनी है, तो एक पॉसिबिलिटी है ABC, दूसरी है ABD, तीसरी है ACD, चौथी है BCD, तो 4 ट्रायंगल बनेंगे, सॉरी हाँ 4 ट्रायंगल बनेंगे। अगर 4 पॉइंट गिवन है तो आप 4 ट्रायंगल आप बनाओगे, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, अच्छा फॉर एग्जांपल ये वाला बनाओ, ये दूसरा ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये तीसरा ट्रायंगल है, और फॉर एग्जांपल ये चौथा ट्रायंगल है। अगर आप नाम देके बनाओ ना तब ज्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा, ABCD फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले ABC, तो ABC ये वाला ट्राइंगल, फिर दूसरा है ABD ये वाला ट्राइंगल, फिर है ACD
ए सी डी ये वाला, इसको आप बोलोगे ए सी डी, तो ये वाला तो अलग ट्रायंगल आ गया आपके पास एक। फिर है बी सी डी, बी सी डी ये वाला ट्रायंगल, तो ये आपके पास कितने ट्रायंगल बन रहे होंगे, आपके पास चार ट्रायंगल यहां पे बन रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अगेन वही होगा, आपके पास जितने भी पॉइंट है एट अ टाइम आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, तीन पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो फॉर्मूला क्या कहेगा, फॉर्मूला कहेगा एन सी थ्री, टोटल अगर चार पॉइंट है तो सिलेक्ट कितने करने एट अ टाइम, तीन करने हैं, कॉम्बिनेशन परमोटेशन नहीं होगा, क्योंकि परमोटेशन एबीसी को इस तरह भी लिखेगा एसीबी, आपको बता एबीसी लिखो या एसीबी लिखो पढ़ने का तरीका अलग है, ट्राइंगल सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए बी सी बोलू या बी सी ए बोलू, ट्राइंगल यही बन रहा है पूरा, पढ़ने का तरीका बस अलग है, तो परमोटेशन ये चीज ओपन करेगी, तभी यहां पे बेस्ट क्या है, कॉम्बिनेशन, कि जितने भी पॉइंट हैं उसमें से जो कितने पिक करने हैं आपको, तीन पिक करने ट्राइंगल बनाने के लिए, तो आप फॉर्मुला यूज करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगेन इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कुछ कोलिनियर पॉइंट्स आ जाए, मिनिमम दो से ज्यादा हो, क्योंकि दो तो कोलिनियर होते ही है ना, दो से तो लाइन पास करती है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, अगर तीन पॉइंट या तीन से ज्यादा कोलिनियर हो तो तब कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल पांच, क्योंकि समझने के लिए आसान है, पांच पॉइंट को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी और ई। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं पांच पॉइंट है, इससे कितने ट्राइंगल बना सकते हो, मतलब फाइव सी थ्री, पांच पॉइंट्स है, तीन पिक करने आपको ट्राइंगल बनाने के लिए, तो फाइव सी थ्री क्या होता है, टेन ही होता है, वो भी पॉसिबिलिटीज क्या है, ए बी सी, फिर हो जाएगा ए बी डी, फिर हो जाएगा ए बी ई, अच्छा फिर होगा ए सी डी, ए सी ई, और फिर हो जाएगा ए डी ई, तो छह तो आपने ये बना दिए, फिर बी सी डी, बी सी ई, बी डी ई, ये नौ हो गए, और फिर होगा सी डी ई, दस हो गए। तो पांच पॉइंट से असली तौर पे कितने ट्रायंगल बनने चाहिए, दस ट्रायंगल बनने चाहिए, लेकिन मतलब ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां पे समझा दिया, पांच पॉइंट के साथ समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने चार के साथ आपको समझा दी बात, पांच में आप खुद कंसीडर कर लेना, क्योंकि वो ट्रायंगल सेम होते हैं, शेड करने लगोगे तो फर्क पता नहीं चल रहा होगा, कि आप बोलोगे सर ये पहले भी तो शेड किया था, हालांकि पहले वो नहीं किया होता, पहले दूसरा वाला किया होता है, तो अगर आप चाहो तो पांच अलग अलग पॉइंट कंसीडर करना, ये तो कोलिनियर है ना, पांच अलग अलग पॉइंट कंसीडर करना और जरा ध्यान से बनाना, शेड वेड करना, रंग चेंज कर लेना, तो आप खुद देखोगे पांच पॉइंट से आपके पास दस ट्राइंगल बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये तो फॉर्मूला इस बेचारे फॉर्मूले को नहीं पता कि तीन पॉइंट कोलिनियर है, ये आपको आंसर देगा दस, लेकिन आपको पता है कि ए बी सी कोई ट्राइंगल नहीं है, ये क्या ट्राइंगल होगा, ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है, ये तो ट्राइंगल नहीं है, अच्छा फिर और कौन सा ट्राइंगल नहीं है, फिर एबीडी ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल बनेगा, ये बिल्कुल ट्राइंगल है, तो एबीसी को ट्राइंगल है, इसको माइनस कर देते, फिर है एबीई, ए बी ई, ये भी बिल्कुल एक ट्राइंगल है, सही है, एसीडी, ए सी, सॉरी ए से लेके सी पे गया, फिर डी पे गया, ये भी बिल्कुल एक ट्राइंगल है, सही बात है बिल्कुल, एसीई, ए सी ई, ये भी बिल्कुल एक ट्राइंगल है, वो मसला नहीं है, फिर लिखा हुआ है ए डी ई, ये भी बिल्कुल ट्राइंगल है, ए डी ई, ये भी ट्राइंगल बन गया, फिर लिखा हुआ है बी सी डी, ये भी बिल्कुल ट्राइंगल बन रहा है, बी सी डी, ये भी बन रहा है, फिर लिखा हुआ है बी सी ई, बी सी ई भी बन रहा है, ये डिफरेंट अलग अलग पॉसिबिलिटी सारी लिखी हुई है, फिर लिखा हुआ है बी डी ई, तो बी डी ई भी बन रहा है, कोई मसला नहीं है, फिर लिखा हुआ है सी डी ई, तो सी डी ई भी बन रहा है, तो यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि तीन पॉइंट अगर गिवन होना तो एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ रहा है, वो है ए बी सी, ये एक्स्ट्रा आ रहा है बस, और कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप क्या करोगे, हकीकत में जो 10 है उसमें से आपको 1 माइनस करना है, मतलब हकीकत जो NC3 वाला फॉर्मूला है ये आपको 10 दे रहा है, लेकिन आपको पता है एक एक्स्ट्रा आएगा, तो माइनस 1 नहीं करोगे आप, क्योंकि अगर पॉइंट ज्यादा होगा तो फिर सवाल फंस जाएगा आपका, मैं भी एक और एग्जांपल भी दूंगा जिसमें पॉइंट ज्यादा है, मैं आपको बताऊंगा ये मसला उसके अंदर आ रहा होगा, तो इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, अगेन वही काम करोगे, अगर तीन पॉइंट से आपको बताना हो कि कितने ट्राइंगल पास करते हैं, तो 3C3 टोटल तीन पॉइंट्स हैं और ट्राइंगल बनाने के लिए कितने चाहिए, तीन ही चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा 3C3, और आपको पता है 3C3 का आंसर 1 होता है, मतलब तीन पॉइंट से कोई एक ट्राइंगल पास करेगा, तीन पॉइंट से दो ट्राइंगल पास नहीं कर सकते, तीन पॉइंट से एक ही ट्राइंगल पास करेगा, बाकी सब में नाम में फर्क होगा, एबीसी कर दो, एसीडी एसी बी कर दो, अलग कर दो, तीन पॉइंट से एक ही ट्राइंगल बन सकता है, तो आपने क्या करना है 1 माइनस करना है, क्योंकि जितने कोलिनियर पॉइंट्स है आप मालूम करोगे उससे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं और उसको माइनस कर दोगे, तो अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो मैं यहां पे m लिख दूंगा कि अब जितने कोलिनियर पॉइंट है वो जितने ट्राइंगल बना रहे होंगे वो आप माइनस कर दोगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट एक्चुअल में ट्राइंगल बना रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है जैसे एबीसी लिखा है ना, ये को ट्राइंगल तो नहीं बन रहा,
तो आप क्या करोगे, जितने कोलिनियर पॉइंट है आप मालूम करोगे वो कोलिनियर पॉइंट कितने ट्राइंगल बनाएंगे, उतने ट्राइंगल आप टोटल जो फॉर्मूला है उससे माइनस कर दोगे। तो एम सी थ्री यहां पर आपको एक आंसर दे रहा है कि तीन पॉइंट मतलब थ्री सी थ्री एक ट्राइंगल बनेगा, टेन में से वन माइनस करना नौ, आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे नौ ट्राइंगल बन रहे हैं। ये मैंने लिस्ट बना के भी आप लोगों के सामने लिख दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ी और एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल पांच पॉइंट छह पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ। अब छह चीजें हैं, छह में से तीन आपने सेलेक्ट करना है ना एट अ टाइम ट्राइंगल बनाने के लिए। तो 63 का आंसर क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय 36, नहीं 6 फैक्टोरियल 120 तो नहीं होता, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 36, तो ऑलमोस्ट हमें 20 आ रहे होंगे। तो बहर अब मैं सब 20 लिस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, जो ये फॉर्मूला गिन रहा है लेकिन वो एक्चुअल में ट्राइंगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फॉर्मूला एबीसी को ट्राइंगल कह रहा होगा, आपको पता है एबीसी ट्राइंगल नहीं है। इसी तरह ये फॉर्मूला ए बी डी इसको भी एक ट्राइंगल कह रहा होगा, ये भी एक ट्राइंगल नहीं है क्लाइंट नंबर। इसी तरह ये फॉर्मूला ए बी ई इसको भी एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा होगा, आपको पता है ट्राइंगल नहीं है। इसी तरह बी सी डी एक ट्राइंगल कंसीडर करेगा, बी सी ई इसको भी ट्राइंगल कंसीडर करेगा, सी डी ई इसको भी ट्राइंगल कंसीडर करेगा, जबकि आपको पता है इसमें से कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, जितने मैंने बोले इसमें से कोई एक भी ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो अब आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें पता चल गई हैं, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो कंपनसेट कैसे करोगे, आप ये कहोगे कि यार चार कोलिनियर पॉइंट है, चार से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, मतलब 4C3 चार पॉइंट से कितने ट्राइंगल बना सकते हो, 4C3 आप बना सकते हो। तो 4C3 का आंसर क्या होता है, 4 के बराबर होता है। तो आप क्या करो इस वाले फॉर्मूले से ना 4 माइनस कर दो, मतलब 4C3 आप माइनस कर दो। तो अब ये जो मैंने आपको नहीं 4C3 4 नहीं होगा 6 होगा, 24 डिवाइडेड बाय 6 नहीं 4 ही होगा, चार ट्राइंगल आपको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, नहीं इसमें पांच पॉइंट है, सॉरी मैं वही कह रहा हूं, यहां पे पांच कोलिनियर पॉइंट है ना, तो पांच कोलिनियर पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 5C3 बन सकते हैं। तो हकीकत में वो कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा क्योंकि वो सारे कोलिनियर पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला है उससे आप 5C3 को माइनस कर दोगे, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको पता चल जाएंगे। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला, इसमें कुछ वन ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, ये जो फॉर्मूला आपको आंसर देगा ना वो एक्यूरेट आंसर है कि वो सब ट्राइंगल एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे जो 5C3 में जो ट्राइंगल बन रहे थे वो उनमें से कोई एक भी ट्राइंगल नहीं था, वो सब लाइंस थी, तो यहाँ पे वन ऐड करने की कोई रीजन ही नहीं है। तो बच्चों ये फॉर्मूला है जब आपके कुछ पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं और आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल मालूम करने हैं। डिटेल में मैंने एक एक चीज हर कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड पहले आगे पीछे एक एट हर चीज मैंने बता दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब बस मैं एक सवाल जो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है वो करवा देता हूँ। फॉर्मूले मैंने सब बता दिए कि कहां से आए हैं। देखो एक तो फॉर्मूले होते हैं ना जिनकी डेरिवेशन होती है, वो तो ऐसे करवाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन से प्रूव हो जाता है, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट से आते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखो, 6 में लिखा हुआ है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर डिटरमाइंड बाय 12 पॉइंट्स। तो आपको पॉइंट्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स 12 है। फिर लिखा हुआ है इफ द पॉइंट्स आर यूज एज वर्टिसेस इफ, पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, नो थ्री पॉइंट्स लाई इन द सेम स्ट्रेट पॉइंट, नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में इस तरह लिख दूंगा, कहने का मतलब कि कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है। भाई दो तो हो सकते हैं ना, दो तो कोलिनियर होते ही होते हैं, तीन नहीं होने चाहिए वो मसला करेंगे, ठीक है। तो तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, तो पहले पार्ट में वही बोला है कि कोई भी तीन पॉइंट आर, नो थ्री पॉइंट आर कोलिनियर, कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब आप रिलैक्स होके फॉर्मूला लगाओ नंबर ऑफ ट्राइंगल मालूम करो। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्मूला होगा एन सी थ्री, टोटल एन पॉइंट है ट्राइंगल बनाने के लिए, तीन पॉइंट सेलेक्ट करते हो आप, एन की वैल्यू पुट कर दो 12C3, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 7 ऑफ द पॉइंट्स लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि 7 पॉइंट्स जो हैं बच्चों वो कोलिनियर है, दूसरा वाला पार्ट ये 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब इन 12 पॉइंट्स में 7 जो है वो क्या है, कोलिनियर है। अब देखो जो 12C3 है वो तो आपको ओवरऑल सब ट्राइंगल दे देगा, लेकिन आपको पता है उसमें 7 कोलिनियर है, तो अब उन 7 में से जो ट्राइंगल बन रहा होगा ना, 7 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट पिक करके आप ट्राइंगल बनाओगे, तो हकीकत में कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा होगा, वो एक लाइन ही होगी,
लेकिन ये फॉर्मूला बेचारा उसको काउंट कर रहा होगा, इसको नहीं पता, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ ट्राइंगल का, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्मूला होगा NC3 माइनस MC3, वेयर N का मतलब अगर आप चाहो तो बता सकते हो कि N इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, ये लिख देना N इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, और लिख देना M आर द कोलिनियर पॉइंट, या आप इसके साथ लिख देना M इज द नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, चाहो तो आप बता दो, मना ऐसे उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको खुद बताना चाहिए। मैंने इसे लिखवा दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि एन एन क्या था। तो टोटल 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट से इतने ट्राइंगल बनेंगे, लेकिन 7 पॉइंट यहां पे कोलिनियर है, तो उन 7 में से जो भी ट्राइंगल बनेंगे वो कोई ट्राइंगल कंसिडर नहीं होगा, तो आप उसको माइनस कर दोगे। अब इसका आंसर निकाला आप लोगों की मर्जी है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। 12, मेरे पास थोड़ी जल्दी हो रही है यार, क्योंकि मुझे जाना है एक जगह पे, तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा। चाहो तो आप इनको सॉल्व कर लो, मतलब इनके फॉर्मूले एटलीस्ट लिख दो, उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लो, लाइक पूरा आपको सॉल्व कैंसिल एंसिल करने की जरूरत नहीं है दिखाने की, बस मेन चीज लिख दो उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल दो। तो 12C3 इसका आंसर होता है 220। तो 220 आपको ट्राइंगल मिले पहले पार्ट में। अब अगर 7 पॉइंट कोलिनियर है, फॉर्मूला आपको बोलेगा 220, लेकिन आपको पता है वो जो 7 पॉइंट में से जितने भी ट्राइंगल बना रहे होगे, एट अ टाइम आप 3 पॉइंट पिक कर रहे होगे, वो कोई भी ट्राइंगल नहीं होगा, तो वो टोटल आप माइनस कर दो टोटल में से। तो 220 में से आप माइनस कर दो 7C3, ये हो जाएगा 35। तो अब आपके पास कितने आ जाएंगे, 185। तो 185 एक्चुअल आपके पास ट्राइंगल बन रहे हैं अगर आप 7 पॉइंट्स को लीजिए ना, 7 पॉइंट्स को लीजिए होना, तो 35 ट्राइंगल बनते हैं, जो कि हकीकत में ट्राइंगल नहीं है, वो लाइन है सारी की सारी। तो वो जो 220 है उसे आप माइनस कर दो, तो अब आपको पता चलेगा कि 185 टोटल ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट था, डिटेल थी, ईकैट भी आपकी कवर हो गई, ये भी कवर हो गया, कंप्लीट पैकेज हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।